नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल UP40 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ कुमैल अब्बास। संदिग्ध परिस्थितियों में टाइगर की मौत। घाघरा नदी में तैरता मिला टाइगर का शव। टाइगर के शरीर पर नहीं थे चोट के निशान। पोस्टमार्टम के बाद होगा टाइगर की मौत का खुलासा। कतनिया घाट के चौधरी चरण सिंह बैराज का मामला। क्या 34-35 पे एक बाघ जो है मृत अवस्था में उतराता मिला है, क्या कहना सर? ये तो अभी तो फिलहाल यही कहूँगा कि बहुत ही दुखद घटना है और हम लोग अभी देख के काफ़ी दुखी हैं और अभी कारणों का पता तो जब पोस्टमार्टम करेंगे तभी लग सकेगा। ऐसे बाहर से देखने में बॉडी पे कोई मतलब जो भी उसके बॉडी पार्ट्स हैं वो इंटैक्ट हैं, खाल भी ठीक दिख रही है और दांत और नाखून भी पूरे दिख रहे हैं इस समय। तो जो कारणों की वजह अभी जैसे हम अपनी रिपोजिटरी में भी तलाशने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि ये एरिया ऐसा है जहाँ से नेपाल से नदियाँ आ रही हैं, तो ये भी पहले एक बार रिपोजिटरी में अपने हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तो पहले गो में देखा है तो उससे निकल के नहीं आ रहा है हमारे डाटाबेस में, लेकिन तब भी अभी जैसे नेपाल से भी मिलान करने का प्रयास करेंगे और देखते हैं जो पोस्टमार्टम के बाद क्या स्थिति निकल के आती है। सर, ये नर है या मादा, इसकी उम्र कितनी होगी? हाँ, नर है ये और उम्र भी पूरी तरह से व्यस्क है, तो मतलब 9 साल से कम का तो नहीं दिख रहा। सर, PM इसका कहाँ होना है, आगे क्या कार्रवाई है, कितने डॉक्टर? अभी निर्णय लेंगे हम लोग अभी बाहर निकालने के बाद। ये भी हो सकता है कि IVRI में करें या मतलब जो है 3 डॉक्टरों का पैनल, ये तो हमारे अभी उच्च अधिकारियों से जब मैं बात करूँगा तब तय करेंगे। थैंक यू सर।